अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ एट योर होम्स। आई एम टीचर ज़ेबा, योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी डिड द वर्ड सेंटेंसेस ऑफ दैट चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर पेशेंस। टुडे यू विल ओपन पेज नंबर 4। ओके, वी विल डू द फर्स्ट एक्सरसाइज लर्निंग द साउंड्स। ओके, हियर आर सम साइलेंट लेटर्स। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ साइलेंट लेटर्स। First of all, the question is that what are the silent letters? For that you have to see in that box. Silent letters are spelled in a word but not pronounced. ठीक है, ऐसे silent letters वो letters होते हैं, letters का तो आपको पता है ना कि alphabets के जो letters होते हैं, जैसे A, B, C, okay? वो कह रहे हैं कि ऐसे letters, ठीक है, एक word में, एक लफ्ज में ऐसे letter जो कि जो कि स्पेल तो होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग स्पेल तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी प्रोनंसिएशन नहीं होती, उनकी कोई हम लोग आवाज़ नहीं निकालते, ठीक है, उनका कोई तलफ़ुज़ नहीं होता। साइलेंट लेटर्स आर स्पेल्ड इन अ वर्ड बट नॉट प्रोनाउंस्ड। ठीक है, लिखने में तो वो लिखे जाते हैं लेकिन उनकी कोई साउंड उनका नहीं होता, ठीक है, उनकी कोई आवाज़ नहीं होती। चलिए अब इसको देखते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड प्रोनाउंस द वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स। फर्स्ट सेंटेंस है, हमजा एंड अजलान आर माई स्कूल फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसमें जो है एक साइलेंट लेटर है किसी वर्ड में, और वो कौन सा है? लुक एट दिस वन, द वर्ड स्कूल, जो इसमें एज की को एज का कोई साउंड नहीं आ रहा। ओके, वैसे एज का साउंड होता है ना ह, तो अगर हम इसका साउंड पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा सकहूल। ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं होता, हमने इसको साइलेंट रखना है क्योंकि एज की कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई साउंड नहीं आ रहा, तो ये एच जो है इधर, ये एक साइलेंट लेटर है, तो हम इसको पढ़ेंगे स्कूल। ठीक है, इसका साउंड जो है वो स्किप कर देंगे, तो ये साइलेंट लेटर बन जाएगा। अब आगे देखें, प्लीज़ गिव मी दिस नाइफ। ठीक है, अब ये वर्ड है नाइफ। ठीक है, के का कोई साउंड आ रहा है? साउंड आ रहा है? नो। ठीक है, इधर से हम लोग जो है प्रोनाउंस करना स्टार्ट करें नाइफ, तो इधर जो के है वो साइलेंट लेटर है। ठीक है, हम इसको नाइफ की स्पेलिंग तो यही होते हैं के एन आई एफ ई, देखिए, ठीक है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो के का साउंड जो है वो साइलेंट होता है, इसलिए साइलेंट लेटर है। ये वर्ड को हम पढ़ेंगे नाइफ। राइट एन एसे अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। अब राइट जो है वर्ड, ठीक है, इसमें डब्ल्यू जो है वो साइलेंट है क्योंकि इसका कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, हम लोग इधर से पढ़ना स्टार्ट करें राइट, लेकिन ये लिखने में आएगा डब्ल्यू। ठीक है, द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई। इसमें जी जो है वो साइलेंट लेटर है, ठीक है, क्योंकि इसका कोई साउंड नहीं है। टर्न द स्विच ऑन। अब स्विच जो है इसमें ठ साउंड आ रहा है, स्विच में नहीं आ रहा, ठीक है, छ साउंड आ रहा है, और स व ई छ, ठीक है, स्विच स्विच ऐसे पढ़ रहे हैं ना हम लोग, टी का जो साउंड है वो साइलेंट रख रहे हैं, तो इसमें टी जो है वो साइलेंट है। ठीक है, अब क्या है कि आप लोगों ने राइट 10 मोर वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स इन योर नोटबुक एंड प्रोनाउंस देम। आपने क्या करना है कि 10 मज़ीद जो है अपने वर्ड्स लेने हैं ऐसे जिसमें कि साइलेंट लेटर्स हो, और उनको आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है। ठीक है, और ये 10 जो वर्ड्स हैं ये आप अपने चैप्टर पेशेंस में भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अपनी खुद इमेजिनेशन से अपने सराउंडिंग्स को फोकस करके कहीं से भी वर्ड्स ढूंढ के जिसमें साइलेंट लेटर्स हों, ठीक है, इस तरह के 10 वर्ड्स आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं, और यही आपका होमवर्क है। ठीक है, इधर देखें बच्चों, इसी जो अभी हम लोगों ने पढ़े हैं, ये जो अभी हम लोगों ने सेंटेंसेस पढ़े हैं उसमें से ये 5 वर्ड्स थे, स्कूल, नाइफ, राइट, हाई, स्विच। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने हेडिंग दे के साइलेंट लेटर्स की, ठीक है, डेट एंड डे लगा के, तो आप लोगों ने इसी तरह 10 वर्ड्स, ये वाले वर्ड्स नहीं लिखने, ये 5 तो मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है, एज एन एग्जांपल। आप लोगों ने 10 मज़ीद लेने हैं, कोई और लेने हैं, ठीक है, और वो उनको आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है। ठीक है, और जो साइलेंट लेटर होगा उसको इसी तरह हाईलाइटेड थोड़ा बहुत कर दीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा ये अपनी डायरी में नोट करें, यूनिट नंबर 1 पेशेंस अंडरस्टैंड पेज नंबर फोर टॉपिक साइलेंट लेटर्स। ठीक है, ये अभी जो हम लोगों ने एक्टिविटी की है साइलेंट लेटर्स वाली, वो राइट एनी 10 साइलेंट लेटर्स इन योर नोटबुक। ठीक है, कोई से भी साइलेंट लेटर्स 10 जो हैं वो आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने हैं। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।